धर्म शास्त्रों में केवल भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनके ललाट पर तीसरा नेत्र दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ की तीन आंखें क्यों हैं? आज हम अपने इस वीडियो में इसी बात का जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है और वो अकेले ऐसे देवता हैं जिनके तीन नेत्र हैं। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव के तीन नेत्रों का जिक्र किया गया है और कहते हैं कि यदि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाए तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। लेकिन आखिर भगवान शिव की तीन आंखें क्यों हैं और उन्हें ये तीसरा नेत्र कैसे प्राप्त हुआ? हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के वाहन और भोग अलग अलग हैं, लेकिन भगवान शिव का स्वरूप सबसे अनोखा है। उनके गले में आभूषण नहीं बल्कि सांपों की माला है। उनकी जटाओं से गंगा बहती है और माथे पर चंद्रमा विराजमान है। इसके अलावा भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी तीन आंखें हैं। एक बार स्वयं नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसमें भोलेनाथ की तीन आंखों का रहस्य छिपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे और इस सभा में सभी देवतागण और ऋषि मुनि मौजूद थे। उसी समय वहां माता पार्वती आईं और उन्होंने भगवान शिव को परेशान करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें ढक दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें ढकी तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। इस घोर अंधकार में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है और पूरी धरती पर हलचल मच गई। धरती पर प्राणियों के बीच मची हलचल को देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और इसी व्याकुलता में उनके मस्तक पर एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। इस ज्योति पुंज से निकली रोशनी से धरती का अंधकार दूर हुआ और यही भगवान शिव की तीसरी आंख थी। ये सब देखकर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आखिर ये तीसरी आंख क्यों उत्पन्न हुई। तब भोलेनाथ ने बताया, यदि ये आंख उत्पन्न नहीं होती तो संसार नष्ट हो जाता, इसलिए धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। देवी देवता और आम मनुष्य सभी को दो आंखें होती हैं, लेकिन भगवान शिव की तीन आंख हैं। शास्त्रों के अनुसार उनकी दाईं आंख को सूर्य और बाईं आंख को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। वहीं मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख को अग्नि का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव की दो आंखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नजर रखती हैं, जबकि तीसरी आंख का ध्यान पापियों की ओर होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो आकाश और धरती पर प्रलय आ जाएगी। इसलिए हमें आस्था रखनी चाहिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और धरती पर किसी भी तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए, जिससे भोलेनाथ कभी नाराज ना हो और उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलना ना पड़े। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो कमेंट में जय महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।